देखो भाई लोग, आपने इस तरीके का फोटो बहुत ही बार देखा होगा सोशल मीडिया में ट्रेंड करते हुए और आपको बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगता होगा, बट आपके पास ये डाउट होगा कि इसको कैसे एडिट किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको सिंपली से एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और एप्लीकेशन का नाम मैं बाद में बताऊँगा, तो आपको थोड़ा सा वीडियो देखना है और मैं कहीं भी बता सकता हूँ। अभी आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, अभी सारे परमिशंस को अलाउ कर देना है। देन आपको क्या करना है, अपने गैलरी से चूज़ कर लेना जिस वाले फोटो को आप एडिट करना चाहते हो। तो मैंने इस वाले फोटो को चूज कर लिया। अभी आपको स्टिकर दिख रहा है यहाँ पर, उस पर क्लिक कर देना है। अब गाइस, मैं अभी न्यू अभी स्टार्ट किया इस वाले एप्लीकेशन को चलाना, इसलिए मैंने सारा कुछ अलाउ कर दिया। अभी आपको यहाँ पर सर्च का बटन दिख रहा है, क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है अमेजिंग स्माइल, बस ऐसा ही सर्च कर देना है। देन गाइस, यहाँ पर आपको 3 रिजल्ट शो होंगे, बट फर्स्ट वाला आपको डाउनलोड कर लेना है, तो मैं कर रहा हूँ। अभी डाउनलोड होने के बाद देख लो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे इमोजीज मिल जाएंगे जो कि स्माइल इमोजीज है, बहुत ही मस्त है। अभी आपको उसको ऐड करने के लिए क्या करना है, सिंपली अभी आपको स्टिकर पे क्लिक करके फिर से सर्च करना है अमेजिंग स्माइल। अब यहाँ पर इसको सर्च करने के बाद आपको फिर से उसी वाले इमोजीज को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करना है, जो भी इमोजी ऐड करना है, क्लिक कर देना है। देन आपका ऐसे ऐड हो जाएगा। अभी देख लो, कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है इसका, बहुत ही मस्त लग रहा है। कुछ ऐसे आप भी कर सकते हो। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पर इसको रोटेट भी कर सकते हो, इसका साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हो। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फिल्टर्स भी है, तो मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी मैं सारा एडिटिंग कर लेता हूँ धीरे धीरे। अब एडिटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना, ऊपर वाले एक्सपोर्ट पे क्लिक करके सेव कर लेना है, आपका जो फोटो सेव हो जाएगा। अब मैं कोई और फोटो भी एडिट करके आपको दिखाता हूँ कैसे करना है और उसमें कैसा इफेक्ट करता है। तो इस बार मैंने इस वाले फोटो को ले लिया, इसमें भी ऐड करके आपको दिखाऊंगा कितना अच्छे से काम करता है। फिर से स्टिकर पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको ऐड करना हो। एंड गाइस, फिर से आपको इमोजी एंड फिर से आपको ऐसे करके सब कुछ एडजस्ट करके लगा लेना है। और आपको पता है इस बार कि कैसे आपको एडजस्ट करना है। अभी वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ कि फाइनल रिजल्ट कैसा आया था। बट गाइस, उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस टाइप का अमेजिंग वीडियोज आते रहेंगे इस वाले चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर देना। अभी देखिए गाइस, फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा, फिर से आपको डन पर क्लिक करना है, देन आपको एक्सपोर्ट कर लेना है और आपका फोटो फिर से सेव हो जाएगा। और मैं बता दूंगा, इस एप्लीकेशन का जो नेम है वो है गाइस फोटो स्टूडियो। आपको सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करना है, उसका आइकन देख लो कुछ ऐसा है, एंड इसे को इंस्टॉल कर लेना है आपको।